अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। निम्ज इन्फो डायरी में आपको वेलकम कहती हूँ। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ मैं। तो जैसा कि आपने टाइटल से भी देख लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं टीन एज एक्नी की। ये एक्नी मोस्टली जो है ना वो 13 से लेके आपको 19 तक होती है। वैसे ये एक्नी आपको जो है ना वो किसी भी एज में हो सकती है, चाहे तो आप अपने 20s में हों, चाहे तो 30s में हों, 40s में हों। तो एक्नी आपको किसी भी एज में हो सकती है और इसकी रीजंस जो है ना वो भी एज के हवाले से डिफरेंट होती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टीन एज एक्नी के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो है वो किसी भी एक्नी के बारे में ट्रीटमेंट वगैरह बता चुकी हूँ। मींस आप किसी भी एज में हो, आप वो वाला ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उससे जाके भी लाजमी चेक करिएगा। तो आज जो है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीनेज में जाके एक्नी हमें क्यों होती है। तो ये होता है कि जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है तो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। एक हार्मोन जिसे एंड्रोजन कहते हैं वो ज्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाता है, और उसका जब वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो उसके नतीजे में आपके ऑयल ग्लैंड्स जो है वो मोर एक्टिव हो जाते हैं। जब आपके ज्यादा ऑयल, ज्यादा सीबम पैदा होता है तो उसकी वजह से आपके पोर्स जो है वो क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। ऑयल जो है वो आपके पोर्स में क्लॉग हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं उसी एक्सेसिव सीबम की वजह से, और फिर जो है वो आपके फेस पे, बॉडी पे, डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो एक्नेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जो आपके एक्ने को फिर वर्स करना शुरू कर देती हैं। बहुत से हार्मोन्स के अलावा और भी कॉजेज होते हैं, जिसमें एक इश्यू जो है वो जेनेटिक होता है। अगर आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें अगर टीनेज में एक्ने रहा हो तो फिर ये ज्यादा चांस है कि आपको भी एक्ने होगा। और वैसे भी 85% जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको एक्ने का प्रॉब्लम जरूर होता है। इसके अलावा जो है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, आपका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और अगर आप जो है ना हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर भी एक्ने आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक्नेस जो आते हैं उसे हम स्टॉप तो नहीं कर सकते एक्नेस को आने से, लेकिन हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे एक्नेस को रोका जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले वो कुछ डिफरेंट कॉजेज पे बात कर लेते हैं। अगर आपके बाल जो है, आपका स्काल्प जो है बहुत ज्यादा ऑयली रहता है, डर्टी रहता है, आपके हेयर जो है वो डर्टी रहते हैं तो फिर भी आपको एक्ने हो सकते हैं। अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा स्वेट वाला काम करते हैं और आप अपनी डेली क्लींजिंग नहीं करते, रेगुलर क्लींजिंग नहीं करते, फिर भी आपको एक्ने आ सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट आइटम्स यूज करते हैं, तो आपको एक्ने आने का इशू जो है ना वो ज्यादा होता है। तो छोटी सी एक रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आपने जो है ना अपने फेस को डेली 2 टाइम लाजमी क्लींजिंग करनी है। 2 टाइम से ज्यादा आप नहीं करेंगे वरना आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, और जब स्किन का अपना ऑयल जो है ना, जो बेनिफिशियल ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, और स्किन हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा सीबम पैदा करना शुरू कर देगी, और फिर से आपका वही इशू जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना आपने फेस पे कोई अच्छा सा माइल्ड क्लींजर यूज करना है। कोई भी हर्बल क्लींजर आप यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑप्शंस शेयर करूंगी, आपके साथ एक पूरी डेली और वीकली रूटीन भी मैं शेयर करूंगी, तो आप जो है ना वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो डेली रूटीन में आपने क्या करना है, एक माइल्ड क्लींजर आपने यूज करना है। माइल्ड क्लींजर के बाद आपको अगर जरूरी लगे तो आप टोनर यूज कर सकते हैं, वरना आप रोज वाटर भी यूज कर लें तो वो भी बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप जो है वो कोई भी नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। ये नहीं कहना कि हमारी स्किन ऑयली है हम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करेंगे। आपकी स्किन बेशक ऑयली हो या ड्राई हो, कैसी भी हो, मॉइस्चराइजर आपको यूज करना लाजमी होता है। अगर मॉइस्चराइजर यूज ना करें आपकी स्किन मोर ऑयल प्रोड्यूस करती है और फिर एक्ने जो है वो मोर हो जाते हैं। तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करेंगे जो ऑयल फ्री हो और नॉन कोमेडोजेनिक हो, यानी कि जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करे। उसके बाद फिर आपने जो है ना वो डे टाइम में कोई भी ऐसा सनब्लॉक यूज करना है, वो भी ऑयल फ्री और नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। SPF जो है कम अज कम उसका 50 होना चाहिए। और ये जो है बिल्कुल सिंपल रूटीन है, आपकी जो है बेसिक रूटीन है, यानी कि सबसे पहले क्लींजिंग, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग और फिर कोई भी सनब्लॉक। तो ये आपकी डे टाइम की रूटीन होगी। नाइट टाइम में आपने जो है ना दोबारा से क्लींजिंग करनी है, थॉरली क्लींज करना है अपने फेस को। आप कोई भी माइसलर वाटर भी यूज कर सकते हैं फेस को क्लीन करने के लिए, ताकि आपका जो सनब्लॉक है वो आपके पोर्स में से निकल आए, क्योंकि ये पोर्स में भी स्ट्रक हो जाता है, इस वजह से भी एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें शायद सनब्लॉक सूट नहीं कर रहा। तो आपने जो है ना नाइट टाइम में भी थॉरली क्लीन करना है अपने फेस को। उसके बाद आप टोनर यूज करें, रोज वाटर यूज करें, और इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा एक्ने सीरम यूज कर सकते हैं, कोई भी नायासिनामाइड का सीरम यूज कर सकते हैं।
कुछ ऑप्शंस जो है मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपका एक्ने का बहुत ज्यादा जो है ना वर्स इशू है, तो फिर आप बेंजोइल परऑक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना वो वीकली अपने फेस को एक्सफोलिएट भी करेंगे क्लिनजिंग के बाद। कोई भी हार्श स्क्रब अपने यूज बिल्कुल नहीं करना, जेंटली एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएट के लिए प्रोडक्ट्स मैं लास्ट में शेयर करूंगी। और इसके बाद आपने कोई भी मास्क लगाना है, आप कोई भी क्ले मास्क लगा सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती है, कोई भी सूदिंग मास्क जैसे जेल मास्क होते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर का मास्क आता है एक, और डिफरेंट कूलिंग मास्क हैं, ये मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, क्यूकम्बर का यूज कर सकते हैं, आप जो है टर्मेरिक का यूज कर सकते हैं, बेसन का यूज कर सकते हैं, और ग्रीन टी जो है ना उसका यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी को आप पानी जो है आप बॉयल करेंगे, ग्रीन टी को उसमें डाल के, जिस तरह ग्रीन टी आप बनाते हैं पीने के लिए, उसी तरह बना के आप क्यूब्स बना के रख लें, और उसको जो है ना किसी भी कपड़े में रैप करके अपने फेस पे अच्छी तरह सिरप कीजिए, या फिर ग्रीन टी का इसी तरह टोनर बना के फ्रिज में रख लें, वो यूज करें। ये डिफरेंट होम रेमेडीज हैं जो आपके फेस के लिए बहुत ही सूटेबल हो। और अपना टॉवल जो है वो आपने अलहदा रखना है, टॉवल आप ना ही यूज करें तो बेहतर है। और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने लाजमी लेनी है, और बहुत ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखना है आपने। अपने फेस को जो है वो स्वेट में इस तरह नहीं छोड़ना कि आप बाहर से आए और इसी तरह आप आके मतलब कोई भी काम करना शुरू कर दिया। मेकअप आप कम से कम यूज, बाहर से आके आप क्लिनजिंग लाजमी करें। और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक आपने देख ली है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे छोटी छोटी रेमेडीज शेयर करती हूँ, छोटी छोटी मैं टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो टीन एज एक्नी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्नी जो है वो ट्रीट होगी, हमारे फेस पे ग्लो भी आएगा, और हमें जो है एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर हम जो है वो खूबसूरत नजर आएंगे। तो चलिए आइए फिर प्रोडक्ट्स देख करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपके साथ चंद क्लिनजर्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले सईदन ब्रांड है, जो कि हर्बल बहुत अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान का। उसका नीम सोप है और नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश है, जो कि एक्नी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये एक सिंपल ब्रांड है, इसका फेस वॉश भी अच्छा है। एक्नीज़ का फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेंथोल एटम एक्नीज़। इसके अलावा डर्माशाइन का टी ट्री फेस वॉश है, मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ। न्यूट्रोजीना का थोड़ा हाई एंड पे आ जाता है, ऑयल फ्री एक्ने वॉश है। इसके अलावा सीरावे एक्नी कंट्रोल क्लेंजर है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सीटाफिल है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सके तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं फ्यू टोनर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनमें सबसे पहले एसटीआईज का क्लियर स्किन टोनर है और ब्यूटीफाई बाय आमना का टोनर है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बेस्ट ऑप्शन में सईद गनी का विटामिन सी वाला रोज़ वाटर है, या फिर आप सिंपल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। थर्ड मैं आपके साथ जो है वो मॉइस्चराइज़र शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जो है ये हाई एंड पे आ जाते हैं, सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा सीरावे का मॉइस्चराइज़र है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। अवीनो का मॉइस्चराइज़र है, ये सारे जो है नॉन कमेडोजेनिक हैं। डर्माइव का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसके अलावा पोंड्स का बहुत ही रीज़नेबल सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है, ये भी बहुत अच्छा है। और स्किन डीप का आप ग्रीन टी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और एम के कॉस्मेटिक्स का ये नरिशिंग फेस क्रीम है, ये भी मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा ब्यूटीफाई बाय आमना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपके साथ जो है मैं फ्यू सन ब्लॉक्स शेयर करने जा रही हूँ। सन ब्लॉक्स जो है एक न्यूट्रोजीना का क्लियर फेस ऑयल फ्री सनस्क्रीन है। नर्नमीर का सन ब्लॉक है, जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का एक सन ब्लॉक है। इसके अलावा ये यूवेल का सन ब्लॉक है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। उसके बाद मास्क शेयर करने जा रही हूँ, ये सईद गनी का ही ग्रीन क्ले मास्क है। इसके अलावा इनका ही क्यूकम्बर का मास्क है, अगर आपको सूट करे लाजमी यूज़ करें। इसके बाद ये स्किन डीप का ब्लैक मास्क है, बहुत अच्छा मास्क है। इसके अलावा एम के कॉस्मेटिक्स का एक क्यूकम्बर मास्क है, बहुत अच्छा मास्क है। लास्ट में फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि आपको ओटीसी मेडिसन्स हैं ये मिलेंगी। ये सैलिसिलिक एसिड जेल है, ये काफ़ी महंगी है। इसके अलावा ये एक सीरम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जेल है ये जो है चिल्टन प्योर का एक सैलिसिलिक सीरम है। इसके अलावा रिवाज यूके का एक्नी टी ट्री सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेंजोइल परऑक्साइड है। इस पर पूरी वीडियो मौजूद है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। वो वाली वीडियो जो है वो भी लाजमी देखिएगा आप।
तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।